हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों को और दुश्मनों को भी नमस्कार। अरे सॉरी यार, दुश्मन कौन है यहाँ पे? सारे दोस्त ही हैं अपने, क्या लेना देना दुश्मनी से? कोई दुश्मनी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, सब अपने ही तो है। वेलकम टू NCERT वे UPSC। दोस्तों NCERT वे UPSC में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव का मतलब। एग्जीक्यूटिव जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव, जो कि है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, कुछ शैम्पू होते हैं जो बालों को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, बहुत अच्छे से डैंड्रफ वगैरह हटा देते हैं, जैसे क्लिनिक प्लस। आप यहां ये मत कहना सर आप प्रमोट कर रहे हो किसी एक ब्रांड को, बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आप हेड एंड शोल्डर लगा सकते हैं या आप और कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल जैसे शैम्पू आपके बालों को ऑल क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, वैसे ही हम समझ जाएंगे एग्जीक्यूटिव का मतलब। एग्जीक्यूटिव बिल्कुल ऑल क्लियर हो जाएगी, ठीक है? आप ये बता पाएंगे कि एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, आप ये बता पाएंगे कि एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है किसी एक डेमोक्रेसी के अंदर, या इवन एग्जीक्यूटिव का रोल किसी भी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर नंबर 4 11th का पॉलिटिकल साइंस का एग्जीक्यूटिव हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है ये पार्ट फर्स्ट है, हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है इस चैप्टर को। आई होप आप इसको पसंद करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा भाई लोगों। देखिए, एग्जीक्यूटिव सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। तो एग्जीक्यूटिव आ गया, सर इसकी डेफिनेशन क्या लिखें हम? अरे बिल्कुल, आपके पास तो गूगल बाबा अवेलेबल है, आइए गूगल पे चलते हैं। हमने जब गूगल किया, देखिए ये आ गया गूगल, तो हमने जब एग्जीक्यूटिव को गूगल किया तो हमारे सामने ये डेफिनेशन आई। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। विकीपीडिया में आप जाएंगे तो ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। सर डेफिनेशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये कह रहा है कि द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी इन एंड होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ ए स्टेट। द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्स एंड एनफोर्स लॉ। सर इसने तो सिंपल से डेफिनेशन बताई कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल, आपको भी यही समझना है भाई, इट इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। एंड व्हाट डज इट डू, ये करती क्या है? एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, इसके पास अथॉरिटी है, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करने की अथॉरिटी है, एंड होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ ए स्टेट। अब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एग्जीक्यूटिव इज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। एज यू नो दैट किसी भी कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के कई सारे ऑर्गन होते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, तो एग्जीक्यूटिव वही ऑर्गन है इस गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट आप बॉडी के रूप में आप ले सकते हो। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कई सारे पार्ट हैं, वो पार्ट सारे फंक्शन करेंगे तभी तो हमारी बॉडी अच्छे से चलेगी। तो वैसे ही एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, यहां हमने जब गूगल बाबा से पूछा एग्जीक्यूटिव का मतलब, तो इसने बताया कि इट इज अ ब्रांच। तो आपको भी ऐसे ही समझना है, ये एक ब्रांच है गवर्नमेंट की जो क्या करती है, जो एग्जीक्यूट करती है लॉज को। देखिए लास्ट में ये लाइन बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही वाली है भाई लोगों। देखिए, द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट एंड एनफोर्सेस लॉ। तो एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूट, काम करना। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? इंप्लीमेंट करना। तो लॉज को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव पर। तो आप इसको सर्टन बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में क्या बोलोगे, अपनी अपनी डेफिनेशन बनाइए, हमें कोई कॉपी नहीं करनी है वाले डेफिनेशन भाई। आज विकिपीडिया ये डेफिनेशन दे रहा है, कल को NCERT वे UPSC के जो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कल को वो अपनी डेफिनेशन दे, हो सकता है विकिपीडिया जो है उस डेफिनेशन को अडॉप्ट कर ले, हमें कॉपी कैट नहीं बनना। तो एग्जीक्यूटिव को आप कैसे बता सकते हो, इट इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट या इट इज इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट्स और इंप्लीमेंट्स द लॉ, ठीक है, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। हमने अपनी डेफिनेशन बना ली, बनाइए आप अपनी अपनी डेफिनेशन और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, देखिए चैप्टर को अब हम रीड करते हैं। जब तो आपको बता रहा है सबसे पहले कि क्या है एग्जीक्यूटिव का ओवरऑल जो ओवरव्यू दे रहा है आपको, तो आइए इसको रीड करते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई अभी अभी हमने देखा बॉडी जो है वो कौन है, आपकी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो बॉडी है उसके कई सारे ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन सही तरीके से वर्क करेंगे तभी बॉडी सही तरीके से वर्क कर पाएगी। तो वैसे ही गवर्नमेंट जो है इसके भी 3 ऑर्गन होते हैं भाई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर जो है ये भी हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे। तो एग्जीक्यूटिव जो है ये एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का,
टुगेदर, जैसे बॉडी के सारे पार्ट मिलकर बॉडी को चलाते हैं, टुगेदर दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. वेरी सिंपल. सो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि हमारा जो पेड़ है, जैसे टेक एग्जांपल ऑफ ट्री, ट्री जो है वो आपकी गवर्नमेंट है. और अब जो गवर्नमेंट जो ट्री है उसकी तीन ब्रांचेस है इंपॉर्टेंट, है ना. और गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस कौन सी है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. अब वो जो ट्री है वो फल देगी आपको, आपके लिए वर्क करेगी. एक वर्क इन सेंस आपको शेड प्रोवाइड करवा रही है, आपको और भी कई सारे जो है फ्रूट्स प्रोवाइड करवा रही है आपके सर्वाइवल के लिए या स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. तो वैसे ही ये गवर्नमेंट है, इसकी जो तीन ब्रांचेस है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, क्या कर रही है? लोगों के भले के लिए काम कर रही है भाई, ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव जो है वो भी इंप्लीमेंट करती है अगर लॉ को, जो लेजिस्लेचर बनाती है, तो कर क्या रही है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इट इज वर्किंग. अब आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस अमंग देमसेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर ऐसा हो, तीन ब्रांचेस हैं, ठीक है, किसी एक, जैसे हम गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर ये जो तीन ब्रांचेस एक दूसरे के मामलों में जब इंटरफेयर करने लग जाए तो क्या होगा? जब एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना. तो इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक और बैलेंस रहे इनमें, एक बैलेंस ऑफ पावर रहे. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है स्पेसिफिकली किसकी कितनी पावर है, जुडिशरी की कितनी पावर है और एग्जीक्यूटिव की कितनी पावर है, लेजिस्लेचर की कितनी पावर है. कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इट एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स देयर पावर एज वेल. कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पावर को लिमिट भी करता है ताकि एक बैलेंस बना रहे. बहुत इंपॉर्टेंट है. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंडिपेंडेंट. पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है. द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव. देखो कितनी शानदार लाइन बोली है, द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर जो होता है, अब आप कहोगे सर एग्जीक्यूटिव आप पढ़ा रहे हो, लेजिस्लेचर आपने बताया नहीं. देखिए लेजिस्लेचर के हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे इतना समझिए, लेजिस्लेचर वो एक अथॉरिटी है, वो एक ब्रांच है गवर्नमेंट की विच मेक्स लॉ फॉर द कंट्री, विच मेक्स एन एक्ट, जो अलग अलग कानून बनाती है, कोई एक कानून लेके आती है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी. उस ब्रांच को आप क्या कहते हो? लेजिस्लेचर कहते हो. इस सिंपल रूम में हम कहें तो पार्लियामेंट इन अ कंट्री परस्पेक्टिव. अगर स्टेट परस्पेक्टिव में बात करें तो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट है. ओके, लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या करती है? एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव. ये देखिए बहुत लाइन बोली, ऑपोजिट है दोनों. यहां इंपॉर्टेंट चीज समझने की, द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव. मतलब जो लेजिस्लेचर होती है ना, वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा भी कंट्रोल होती है. एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखती है लेजिस्लेचर, लेकिन लेजिस्लेचर के जो फंक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूटिव भी वर्क करती है. अब आप कहोगे सर एग्जीक्यूटिव वर्क करती है, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल भी रखती है लेजिस्लेचर, ये कैसे पॉसिबल है? टेक एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एग्जाम्पल लीजिए, जो हमारी लोकसभा है. जैसे मिनिस्टर्स जो है वो क्या, वो किस में आते हैं? दे वर्क, दे इंप्लीमेंट्स, एक्चुअली दे फॉर्म द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, वही लॉ लेके आ रहे हैं, पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं. तो वो कौन है? एग्जीक्यूटिव में आते हैं मिनिस्टर्स. हमारे प्राइम मिनिस्टर जो, वो भी एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं क्योंकि वो वर्क को एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं पॉलिसी फॉर्मेशन में. अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आगे देखेंगे भी, कि एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. तो ये कौन सी एग्जीक्यूटिव है? जो मिनिस्टर्स वगैरह है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है. अब ये एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर में कानून लाना, मतलब बिल फॉर्म लेके आना, ये कौन करते हैं? ये मिनिस्टर्स ही तो करते हैं, और कौन करते हैं? तो इसलिए वो यहाँ पे लाइन बोल रहा है कि द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, कि अब इनके लिए मेजोरिटी होना लोकसभा के अंदर ये बहुत जरूरी है. इफ दे विल लूज देयर मेजोरिटी इन लोकसभा, वो जो है वो बने रहने के हकदार नहीं है, दे विल हैव टू रिजाइन. इफ दे हैव मेजोरिटी इन लोकसभा दे कैन कंटिन्यू, है ना, वो कंटिन्यू कर सकते हैं. इन टर्न देखिए इसमें क्या बता रहा है आपको, इन टर्न वो बता रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो होती है वो भी लेजिस्लेचर को किसी हद तक कंट्रोल करती है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अब काम की बात, वी शैल डिस्कस द कॉम्पोजिशन. देखिए इंपॉर्टेंट, द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. तो भाई लोगों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन जो है एग्जीक्यूटिव के, वो क्लियर होने चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर. अगर नहीं होंगे क्लियर तो भाई गड़बड़ है.
ऐसा मत कहना सर आपने सही से नहीं समझा इसलिए क्लियर नहीं हुए, ठीक है। वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। देखिए, दिस चैप्टर विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन रिसेंट टाइम्स टू पॉलिटिकल प्रैक्टिस। पॉलिटिकल प्रैक्टिस में जो चेंजेस हुए हैं वो भी ये चैप्टर आपको बताएगा, देखेंगे हम बिल्कुल आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। ये तीन चार चीज़ें आप समझ जाओगे भाई, ठीक है, तीन चार चीज़ें समझ में आना जरूरी है। तो ये एक तरीके से एक टेस्ट है आपका भी और मेरा भी, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग यहीं पर रखना। पहला कि आप डिस्टिंक्शन कर पाओगे बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेजिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एंड प्रेजिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल क्लियर करेंगे ये सारी चीजें हम, है ना। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उसकी इंपॉर्टेंस और वो कैसे फंक्शन करती है ये भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन से, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। तो हमने अभी गूगल बाबा को सर्च किया था, आपके लिए एक बार दोबारा मैं कर देता हूं। यहां से जब एग्जीक्यूटिव निकाला तो ये वाली डेफिनेशन दे दी गूगल बाबा ने, ठीक है। हमने डेफिनेशन को अच्छे से समझा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विच एग्जीक्यूट्स एंड एनफोर्सेज लॉ, जो एग्जीक्यूट करती है लॉ को, एनफोर्स करती है लॉ को, ओके। इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ ए स्टेट, स्टेट की गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करती है। अब यहां पे क्या बता रहा है आपको, यहां पे एक एग्जाम्पल दे रहा है, टेक एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल, ठीक है। हु इज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज किसके पास है भाई, कि सर हमारे स्कूल में तो प्रिंसिपल है, ठीक है, सर प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है, हमें जो है इधर से उधर नहीं, हमारे सीसीटीवी कैमराज और लगा रखे हैं क्लास के अंदर, लगा रखे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो तो सर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना रखे हैं स्कूल के बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं। तो भाई मेरे, अगर प्रिंसिपल एग्जीक्यूट करने का काम कर रही है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आप उसको एग्जीक्यूटिव में लोगे नहीं लोगे, वो आपके स्कूल की एक तरीके से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी नहीं होगी। अब आप कहोगे सर क्या सर प्रिंसिपल ही सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए प्रिंसिपल का अपना एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे और जो है टीचर्स को कोऑर्डिनेटर बना रखा होगा, आपके क्लास टीचर्स को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी होगी। वो क्या कर रहे हैं, वो जो पॉलिसी फॉर्म कर रही हैं आपके प्रिंसिपल या जो टीचर सर हैं या मैडम हैं जो भी हैं, वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का काम कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं वो बाकी टीचर्स वगैरह या जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो वो किस में आ गए, एग्जीक्यूटिव में आ गए। बहुत सिंपल, समझ लिया भाई हमने एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे। सो जो इंचार्ज होते हैं, जो इंप्लीमेंट करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं पॉलिसी को, उसी को आप एग्जीक्यूटिव कह रहे हो। हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन स्कूल, अब ये आगे आपको वही चीज बता रहे हैं, इन ए स्कूल और अ यूनिवर्सिटी, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफिस होल्डर हैज टू टेक डिसीजंस, ठीक है, एंड इंप्लीमेंट दोज डिसीजन। सो भाई ये ऑफिस होल्डर जो है यही तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर्स बने हुए हैं वो, जैसे आपके स्कूल का हमने एग्जाम्पल लिया। या टेक एग्जाम्पल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, जिस जिले में आप रह रहे हो, हु इज इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हु इंप्लीमेंट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंप्लीमेंट करता है भाई, जो आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, तो क्या आप उसको एग्जीक्यूटिव में नहीं लोगे, लेंगे सर बिल्कुल लेंगे। तो समझ गए, हो गया ना ऑल क्लियर एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन। अब आप अपनी डेफिनेशन बनाओ, विकिपीडिया आपकी डेफिनेशन को उठाने वाला है थोड़े दिन में, मैं कह रहा हूं। देखिए, तो देखिए आगे फिर वो बता रहा है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ बॉडी एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजन। अब हम कुछ और पॉइंट समझेंगे यहां से, कि एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ बॉडी एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजंस और द बिग डिसीजंस एंड सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें भी एक टॉप लेवल पर क्या होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग का काम हो। पॉलिसी मेकिंग हर कोई नहीं बना सकता ना, एडमिनिस्ट्रेशन में हर कोई लोग है तो उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, बट दे कांट मेक पॉलिसी, इतने लोगों से जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में रोल नहीं हो सकता उनका, कुछ लोगों का रोल होगा, मतलब जो हायर अथॉरिटीज है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हायर अथॉरिटी, ऐसे ही देश के अंदर होता है। पॉलिसी मेकिंग कौन करती है, जो कौन करते हैं, कौन सी अथॉरिटी करती है, तो पॉलिटिकल जो आपके एग्जीक्यूटिव है, जो आपके मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं आपके स्टेट परस्पेक्टिव में, मिनिस्टर्स हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ बिग कंपनीज, बैंक्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं ना, जो बिग कंपनीज होती हैं, सीईओ, सीओओ, बड़े बड़े नाम है, कितने खतरनाक खतरनाक नाम है ना,
सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, अलग अलग लीडर्स होते हैं, तो वो एग्जीक्यूट वो वहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन का काम करते हैं, और उनकी फिर पूरी एक यूनिट होती है, पूरी टीम होती है. एवरी फॉर्मल ग्रुप हैज अ बॉडी ऑफ दोज हु फंक्शन एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो हर फॉर्मल ग्रुप का एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है और द एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है. सम ऑफिस होल्डर्स डिसाइड द पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड देन सम ऑफिस होल्डर्स इंप्लीमेंट दोज डिसीजन एंड एक्चुअल डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन. तो ये समझ गए होंगे, यही आपको जो हमने ऊपर समझा वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है. तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री कौन पॉलिसी फॉर्म करेगा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं. और इसको एग्जीक्यूट कौन करेंगे? यही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, या जो आपके ऑफिसर्स हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं. द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सन्स दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस. सिंपल. तो एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है कि एक ऐसी बॉडी लोगों की जो क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने का काम करती है इन एक्चुअल प्रैक्टिस. वेरी सिंपल. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो वन बॉडी मे टेक पॉलिसी डिसीजन एंड डिसाइड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन. सिंपल. गवर्नमेंट में भी क्या होगा, एक बॉडी होगी, जैसे जो आपकी कैबिनेट मिनिस्टर्स की है, हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी, वो क्या करती है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करती है, और उसको इंप्लीमेंट कैसे करवाती है, इन्हीं ऑफिसर्स के थ्रू इंप्लीमेंट करवाती है एंड डिसाइड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन, वाइल द अदर वन वुड इन चार्ज ऑफ इंप्लीमेंटिंग दोज रूल्स. ऐसा तो नहीं है कि मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया, कोई पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन लिया, लॉ पास किया उन्होंने लेजिस्लेचर से, तो इंप्लीमेंट भी वो मिनिस्टर्स करने आएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई. परमानेंट एग्जीक्यूटिव से इंप्लीमेंट करवाया जाएगा उन डिसीजन को. तो इसलिए देखा हमने कि एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट, कौन, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव. देखो कितनी कितनी डेफिनेशंस निकल के आ रही है, बट ओवरऑल सबका थीम एक ही है कि ऐसा ऑर्गन गवर्नमेंट का विच इम्प्लीमेंट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और द पॉलिसीज इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव. ऐसा ऑर्गन गवर्नमेंट का जो इंप्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को, एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं. What are the principal functions of executive? ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत important. What are the principal functions of executive? Principal function क्या होगा executive का? So executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. So इसका main function है implement the laws and policies adopted by the legislature. Simple. Okay? The executive, पहला point हो गया आपका, ये वक्त होगा. Second, the executive is often involved in framing of policy. इंप्लीमेंट करने का काम करेगा. और अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे पॉलिसी परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं बनाएगी, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बना रही है ना. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मेकिंग में भी जो आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसका मदद लेती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई कानून लेके आते हैं, लॉ लेके आते हैं, या मिनिस्टर्स लेके आते हैं, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक्चुअल नॉलेज होता है अलग अलग डिपार्टमेंट का. आपने देखा होगा हेल्थ डिपार्टमेंट में है, जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो उनसे पहले वो सारा नॉलेज लेते हैं किस तरीके की पॉलिसी फॉर्म करें, तो उनसे मदद भी ली जाती है. एंड दैट्स हाउ पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड. द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. सम कंट्रीज आर प्रेजिडेंट्स, जैसे कई कंट्रीज में क्या होगा, प्रेसिडेंट जो होता होगा वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा, वाइल अदर्स हैव चांसलर्स, कहीं में चांसलर्स होगा, जैसे आपके जर्मनी के अंदर चांसलर बोला जाता है, जो भी है करंट में एंजेला मर्कल, ठीक है. द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, इट ऑल्सो एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मतलब सिविल सर्वेंट्स. अभी हमने बात की जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके, जो डीएम है आपके, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, या आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, एएसपी हैं, एसीपी हैं, ये भी तो उसी के अंदर आते हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है. वाइल द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स सेटल्ड विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी आर टुगेदर नोन एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है. ये जो वर्ड है अभी हमने डिस्कस कर लिया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसको बोलोगे आप? मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट में है, जो इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर्म द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, and they are together known as political executive. And those responsible for day-to-day administration
एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ आर कॉल्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगी और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगी। क्लियर होगा आई होप आपके सबके, ठीक है। अब डेफिनेशन कैसे देंगे सर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव की? सो हेयर यू कैन से द हेड ऑफ गवर्नमेंट्स एंड देयर मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी टूगेदर ऑल टूगेदर नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज प्रैक्टिकली आर कॉल्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। होगी डेफिनेशन क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है। तो एवरी कंट्री मे नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। जैसे हमने सुना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कौन होता है? प्रेजिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। क्वीन ऑफ इंग्लैंड, वो हेड ऑफ द जो है स्टेट होती है, जैसे इंग्लैंड के अंदर। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ द यूएसए आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ का प्रेजिडेंट जो है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है, उनकी पावर और प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए की पावर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सर ऐसा क्यों है फिर? तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में किस एग्जीक्यूटिव हेड को कौन से एग्जीक्यूटिव हेड एक्चुअल में, जैसे हमारे यहाँ पे जो स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन होता है? प्रेजिडेंट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर होता है। वेयर एज वहाँ पे अमेरिका के अंदर कौन है हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो कौन है? प्रेजिडेंट ही होता है। तो ये डिफरेंट वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, कैसी वहाँ पे जो है अडॉप्ट की गई हैं चीज़ें। सिमिलरली द पावर ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड आर डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ किंग ऑफ भूटान, ठीक है। बोथ इंडिया एंड फ्रांस हैव प्राइम मिनिस्टर्स बट देयर रोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इंडिया और फ्रांस के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन दोनों के रोल अलग है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर है, फ्रांस में उस तरीके से पावर नहीं है। वहाँ पे प्रेसिडेंट को वो सेम पावर जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को पावर है। इसलिए हमारी कंट्री में कौन पावरफुल है? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, देयरफॉर ही इज मोर पावरफुल इन इंडिया स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट, ठीक है। अब भाई लोगों देखो एक्टिविटी आ गई है आपकी, तो ये एक्टिविटी करना आप कि अब साक की जो कंट्री है, प्रोक्यूर फोटोग्राफ ऑफ द साक समिट मीटिंग और द मीटिंग ऑफ G7 कंट्रीज और लिस्ट कीजिए कि किन्नों ने मीटिंग में पार्ट प्ले किया है। कैन यू इमेजिन व्हाई दोज पीपल एंड नॉट सम अदर्स आर अटेंडिंग द मीटिंग? क्यों उनके जो है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, किसी के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो क्यों वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं आए हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में प्रेसिडेंट पावरफुल है या प्रेसिडेंट जो है रिप्रेजेंट करता है, हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से, ठीक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल ब्रीफली आउटलाइन द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग इन सम ऑफ दीज कंट्रीज। अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को समझने से पहले, देने से पहले, कि अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से एग्जीक्यूटिव जो है वो होती है। यूएसए के अंदर क्या है? यूएसए हैज ए प्रेजिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेजिडेंट, ठीक है। कनाडा में क्या है? कनाडा हैज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वेयर क्वीन एलिजाबेथ II इज द फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे हमारे देश में होता है, इंडिया के अंदर क्या है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअल में पावर किसके पास में है? प्राइम मिनिस्टर के पास में। इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये एक और सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर्स बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो इस सेमी प्रेजिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो प्रेजिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, अलग मिनिस्टर्स को, लेकिन उनको डिसमिस नहीं कर सकता, कैन नॉट डिसमिस देम। क्यों? क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, वहाँ की पार्लियामेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जापान में क्या है? जापान इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये क्वेश्चन आ सकता है वेरी शॉर्ट में, यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि कनाडा में किस टाइप की एग्जीक्यूटिव है, यूएसए में कैसी एग्जीक्यूटिव है, या सेमी प्रेजिडेंशियल सिस्टम कौन से एमसीक्यू का आपको क्वेश्चन पूछ लिया। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, विद द एम्पीरियर एज द हेड ऑफ द स्टेट और प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे हमारे देश के में है उसी तरीके का वहाँ पे सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वहाँ का एम्पीरियर जो है राजा। इटली में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ का सिस्टम है। रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें जो अभी हमने फ्रांस के अंदर देखा था,
जो अपॉइंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को। सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को, लेकिन वो उनको हटा नहीं सकता क्योंकि वो जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, वहाँ के जो रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट होती है उसके लिए। हाउएवर प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग ही चुनेगा उसको, एंड द प्राइम मिनिस्टर विल वर्क अकॉर्डिंग टू इन द लाइन विद द प्रेसिडेंट। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, तो हु इज अपॉइंटेड बाय द, ये आपको रशिया का पता है। जर्मनी हैज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, जर्मनी में क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें क्या है, प्रेसिडेंट इज द सेरिमोनियल हेड, सेरिमोनियल मतलब नाम का उसको हेड बना रखा है, एंड द चांसलर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो अभी करंट में जैसे जर्मनी की है एंजेला मर्कल, तो एक्चुअल में पावर किसके पास में, चांसलर के पास में, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है जर्मनी। इन इन प्रेजिडेंशियल सिस्टम, तो अब ओवरऑल कंसेप्ट कि हम जो रीड कर रहे हैं कि क्या मतलब है सर इसका, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, और हेड ऑफ द स्टेट भी कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल। इस सिस्टम में क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे हमारी कंट्री में क्या हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो इतना पावरफुल नहीं है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, बट बहुत सारी पावर्स हैं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कंट्रीज विथ सच ए सिस्टम इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट्स जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, ब्राजील और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। अब आप इस जो टेबल है इससे आप समझ सकते हो इसको पूरे अच्छे तरीके से, ये जो आपको बना रखा है यहाँ पे पिक्चर एक शानदार, आपको इसमें क्लासिफिकेशन कर रखा है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के अंदर। देखिए सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर जो सिस्टम है वो ये है, पार्लियामेंट्री सिस्टम या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कलेक्टिव लीडरशिप के इस दो पार्ट में डिवाइड करेंगे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव को, सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप एंड उसके अलावा सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। ओके, तो दो पार्ट में हमने देखा, इंडिविजुअल लीडरशिप में मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर होगी, वो कैसे होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द सिस्टम होगा अगर आपके, और कलेक्टिव में कैसे, पार्लियामेंट्री या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो अभी हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपके क्लियर होगा टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव को बड़े रूप में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कलेक्टिव लीडरशिप, इंडिविजुअल लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप में पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री के अंदर कैसे, जैसे अभी इंडिया के अंदर है, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर। ओके, ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर, लोकसभा। एज यू कैन सी करंटली वी आर इन 2020 एंड नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। ओके, ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। द हेड ऑफ द स्टेट मे बी, अब हेड ऑफ द स्टेट कौन हो सकता है, कोई मोनार्क हो सकता है, मोनार्क मीन्स राजा, या प्रेजिडेंट हो सकता है। टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया अगेन, तो हमारे यहाँ पे कौन है हेड ऑफ द स्टेट, प्रेजिडेंट है, ठीक है, इज ऑल्सो कमांडर इन चीफ हेड ऑफ द स्टेट जो होता है। तो मोनार्की, मोनार्क जहां पे जैसे जापान के अंदर है, तो उसको आप क्या कहोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वेयर इज प्रेजिडेंट अगर है तो वहां पे क्या होगा, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। तो इंडिया कैसा है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। नाउ सेमी प्रेजिडेंशियल, उसमें जैसे रशिया का एग्जाम्पल हमने लिया, फ्रांस का एग्जाम्पल हमने लिया, कि प्रेसिडेंट जो होगा वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट होगा जो है एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिसको बनाया जाएगा। पीएम एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है, पीएम और उसकी जो काउंसिल होगी वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगी, लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल होगी, लेकिन अपॉइंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर को, हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो है। आप कहोगे सर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, फिर उसको पावर ज्यादा होनी चाहिए सेमी प्रेसिडेंशियल में, लेकिन अपॉइंट क्योंकि वो प्रेसिडेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होकर आया है, वो नॉमिनेट कर रहा है, तो इसलिए ये कलेक्टिव लीडरशिप के तहत मिलकर काम करते हैं, बट प्रेसिडेंट पावरफुल होता है। जैसे रशिया के अंदर, जैसे करंटली वी आर इन 2020, व्लादिमिर पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, बट वहां पे कौन सा फॉर्म अडॉप्ट किया गया, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम बहुत ईजी है, ठीक है, इसको जैसे यूएसए के अंदर जो फॉलो किया जाता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स वाई द यूएस प्रेसिडेंट इज वेरी मच पावरफुल। द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं उसको, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, वो अकाउंटेबल नहीं होता लेजिस्लेचर के, इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल, जिसको हमने देखा ना, इंडिविजुअल लीडरशिप पे ज्यादा जोर दिया गया एज इन द केस ऑफ यूएसए। सो आई होप ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर होगी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो हमने इस वीडियो में क्या देखा, एग्जीक्यूटिव का मतलब और टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो हमने इस वीडियो में किया है। पार्ट सेकेंड इसकी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। ये वीडियो कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।